भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन पूरे तरीके से इंग्लिश टीम के नाम नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि टीम इंडिया को यहाँ पर 8वां विकेट गंवाना पड़ा है और अब भारत पूरे तरीके से हार की कगार पर है और इंग्लिश टीम जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर नजर आ रही है। बता दें कि 96वें ओवर में ओली रॉबिन्सन ने यहाँ पर ईशांत शर्मा को पवेलियन भेजा, 5 विकेटें हासिल कर ली हैं यहाँ पर रॉबिन्सन ने, 26 ओवर उन्होंने अभी तक फेंके हैं, 65 रन देकर 5 विकेटें यहाँ पर हासिल की हैं। और टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में वो काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। हालांकि खिलाड़ियों ने तीसरे दिन अच्छा फाइट बैक दिया था, बल्लेबाजों ने मैच में वापसी कराने की कोशिश की, लेकिन जब आप 350 की लीड खा जाते हो तो फिर आपके लिए मैच में वापसी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत को थोड़ा सा अब देखना होगा कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। इस सेशन की बात की जाए तो सेशन में करीब 11 से 12 ओवर का खेल हुआ है और 5 विकेटें भारत ने गंवाई हैं। बड़ी बात यह है कि अगर भारत इस तरीके से मुकाबले खेलेगा तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और फिलहाल 257 पर 8 यहाँ पर भारत का स्कोर है। ओली रॉबिन्सन ने अपने बेहतरीन स्पेल में यहाँ पर विकेटें जो हैं वो निकाली हैं, 5 में से 4 विकेटें आज उन्होंने निकाली और उसके बाद जिमी एंडरसन को 1 विकेट मिला और भारत अब पूरे तरीके से बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि भारत के पहले सेशन में हारता है या फिर दूसरे सेशन में, ये भी एक अलग बात होगी देखने वाली। बड़ी बात यह है कि इंग्लिश टीम ने जिस तरीके से लॉर्ड्स टेस्ट मैच हारने के बाद इस मुकाबले में वापसी की वो काफ़ी जानदार है। अब भारत को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या टॉस जीत कर जो बल्लेबाजी का फैसला था वो सही था, आपने क्या बल्लेबाजी अच्छी की, तो क्या 78 ऑल आउट हो जाओगे और फिर आप मैच में वापस आने की सोचोगे तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादती हो जाती है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।